गुरु जी सादर चरण स्पर्श आपके। जय हो। हम ये बोलना चाह रहे हैं जो सारे वैष्णव जन हैं ये इतने मतलबी क्यों होते हैं कि विशेष दिन ही जैसे रामनवमी पर रामचंद्र जी की पूजा कर दी और कलाकंद का लड्डू का भोग लगा दिया, हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को पूज लिया, दीपावली के दिन लक्ष्मी माता जी को पूज लिया। यदि ये सब लोग जैसे दीपावली के दिन लक्ष्मी माता को पूजते हैं, रामनवमी के दिन रामचंद्र जी को पूजते हैं, हर रोज ऐसे पूजे तो उसमें क्या गलत है? बहुत सुंदर मत। एक बार कहीं हमने कथा में निवेदन किया था, वैष्णव को वैष्णव उसे कहा जाता जो प्रतिदिन दिन में 12 बजे रामनवमी मनावे और रात को 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी मनावे। वैष्णव वही है जो दिन में 12 बजे रामनवमी मनावे और रात को 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनावे। तो अब जो है इंसान बड़ा व्यस्त हो गया, अब तो आप इतने ही कुशल है कि ये नवरात्रि में भगवान के ऊपर कृपा कर दे। भगवान भाई, भगवान के ऊपर उपकार है, नहीं तो अब शहरों में तो आगे की लगी मशीन चल गई। अब मशीन चली तो भाई घंटी बजाओ और भाई आरती घुमाओ। एक मुंबई में हम जो है कथा कर रहे थे जुहू में, बहुत पुराना समय जब नए नए पगला बने थे, तो चेला के लड़का ना हो तो भगवान की ऐसी दया, उम्र हमारी बहुत छोटी थी, हमने कहा जाओ भगवान कृपा करने लड़का हो, यो होगा। ओ जो है वो बोलो गुरुजी कथा होने दो, हमने कहा चलो भागवत करने गए। तीसरे दिन बोलो गुरुजी शिव अभिषेक करवाएंगे, हमने कहा अच्छी बात है करवाओ। प्रातः काल हमने सोचा ब्राह्मण आएंगे अभिषेक होगा बढ़िया आनंद आएगा, लेकिन जब हम प्रातः काल ऊपर रुके थे कमरे में, जब नीचे उतरे तो मंत्र बढ़िया चले, मंत्र में माइक बोले अब आप हाथ में चावल लीजिए और बढ़िया मंत्र सात स्वर, अक्षतान सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदता ग्रहण परमेश्वरा, अब आप चावल छोड़ दीजिए, अब आप बिल्व पत्र लीजिए। हमने गौर से देखो कि माइक तो बज रहा पर पंडित जी नहीं दिखा रहे, इतना प्यारा स्वर किसका है? लेकिन अब बीच में का बोले हम तो देखते रहे, जब यज्ञ हो गई पूरी वो अनुष्ठान से होगा, हमने चेला पे कहीं पंडित जी नहीं दिखा रहे, तो बोले गुरुजी हम पंडित जी नहीं बुलाते हैं। हमने कहा फिर अभिषेक कैसे? बोले कैसेट लगा दी फिर ये हो जाता है पूरा। उस समय बता रहे आज से 8-8 साल पहले। तो ऐसे आलसियों से तो बढ़िया है कि ये लोग रामनवमी जा रहे हैं। तब यही है कि जितना है उतना ही में संतुष्ट रहें तो अच्छा है, ज़्यादा थोपेंगे तो ये यहाँ और बैठना बंद कर देंगे।